हे हाय, सो कुछ बेसिक बात की मैंने, जो कुछ मेरे पास चीज़ें हैं उनके बारे में। एक छोटा सा यहाँ पे रूम में घूम कर देखा कि क्या क्या है मेरे पास। हेलमेट्स, मेरा कुकिंग का पूरा सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ मैंने रखा है वहाँ पे, मिक्सर, वाटर प्योरीफायर, कपड़े वहाँ पे हैंगर पे लगा हुए कपड़े, टेबल फैन, मेरी बैग, मेरी मोस्ट फेवरेट टेलीस्कोप, शूज़, कुछ शूज़ वहाँ पर रखे हुए हैं, ग्रॉसरी का कुछ। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने फ्रूट्स के बारे में बोला, दिखाए प्रीवियस स्टोरी में जो कुछ फ्रूट्स है मेरे पास, कहा कि या ईट सीजनल फ्रूट्स एंड देन एग्स, और भी कुछ बाकी की चीज़ें हैं, बाकी के फ्रूट्स हैं। अभी नेक्स्ट बात करेंगे जो कुछ मेरे यहाँ पे टेबल पे है और जो कुछ मैं बेसिकली प्रीफर करता हूँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, ब्रेकफास्ट लेके कुकिंग तक जो कुछ चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ उनके बारे में। लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नट्स। अभी मंथ एंड है ना, तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गए, यहाँ पे भरा रहेंगे। कैशू एंड आमंड्स, ईट देम मोस्ट ऑफ द टाइम। मॉर्निंग में अगर आप खाना चाहते हो तो खाओ। नट्स आर मस्ट आपके, इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स है, आपके हर्ट के लिए चाहिए, आपके ब्रेन के लिए चाहिए, आपके हेयर्स के लिए चाहिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नट्स। हमारे यहाँ पे इंडिया में मैकेडेमिया नट्स, ब्राज़ीलियन नट्स जो कोई मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के वो नहीं मिल पाते हैं। इवन अखरोट भी बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं, सभी जानते हैं, मार्केट में देखते हैं। इफ़ यू कांट अफोर्ड देम, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, श्योरली गो फॉर आमंड। नेक्स्ट कम्स किशमिश, से दिस किशमिश या ट्रेस एलिमेंट्स है, कॉफी इसमें ही डाल दिया, थोड़ा टाइम बाद ट्रेस एलिमेंट्स है, उसके बाद में इसमें कॉफ़ी के नीचे अंदर एक्चुअली कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी है किशमिश। डू ईट किशमिश विथ नट्स। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, कुकिंग ऑयल्स या कोल्ड प्रेस किया हुआ कोकोनट ऑयल ही मैक्सिमम यूज़ कीजिए। घी यूज़ कर सकते हो, चीज़ बटर वो है, अगर आप यूज़ कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो उनको यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोल्ड प्रेस किया हुआ ऑयल यूज़ कीजिए मैक्सिमम। कोल्ड प्रेस इन द सेंस जिसके ऊपर प्रोसेस नहीं किया गया है, जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं किया गया है, रॉ फॉर्म में मैक्सिमम मिलता है, ऐसे ऑयल्स प्रेफर कीजिए, कोकोनट ऑयल। देन अनदर वन ऑप्शनल ऑयल आई विल यूज विद इट, या ऑलिव ऑयल, या यू कैन सी दैट। ऑलिव ऑयल के बारे में एक बात है, बहुत सारे मार्केट में हम देखते हैं आजकल, क्या बोलेंगे उसको, फेक ऑलिव ऑयल्स भी मिल रहे हैं, मिक्स किए हुए भी मिल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफरेंट थिंग्स हम मार्केट में देख रहे हैं। जस्ट मेक श्योर कि एक अच्छे ब्रांड का हो, जैसे कि यहाँ पे डेल मोंटे का है, लियोनार्डो का करके और एक मिलता है, फिर उसके बाद में और एक है, क्या नाम है उनका यार, मैं यार नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। सो डिमार्ट में आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी स्टोर में वगैरह, जस्ट ब्रांड नेम्स को चेक कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे जो कुछ कंटेंट वगैरह रहता है या फिर जो कुछ ब्रांडिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उन सभी चीज़ों को चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए ऑनलाइन या फिर कहीं से भी बोलने से बेटर है कि अच्छे सोर्सेस वेरीफाई कीजिए एंड देन ओनली यूज़ इट। बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है कुछ बार बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ मिल जाता है डीमार्ट यहाँ ऐसे जगह पे। सो या यू कैन यूज़ इट, बट द थिंग इज़ कि ऑलिव ऑयल एंड इन सभी चीज़ों के साथ में आपका जो कुकिंग ऑयल है वो आपकी स्किन हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, हेयर्स के लिए, पूरे ओवरऑल इंटरनल ऑर्गन्स जो आपके हैं उन सभी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए, कोल्ड प्रेस ऑयल्स क्या रहते हैं, क्यों दूसरे ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स मैक्सिमम यूज़ नहीं करने चाहिए, उनको अवॉइड करके आप इन सभी ऑयल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे। सो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए एंड जस्ट डू मेक दीज चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, नट्स के बाद में, ऑयल्स के बाद में, बात करने के बाद में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने के बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं।
another one thing ke liye. Peas, again nuts, snacks ke liye chana phutana bolte na wo kha sakte. Just do one make thing sure ki zyada salted, zyada फ्राई की हुए ज़्यादा उसके ऊपर जो मसाला वगैरह मार के जो देते हैं वो ना खाए. ई सिंपल बोर हो जाता है, नो दैट, बट मैक्सिमम ट्राई इट. ब्लूटूथ स्पीकर, कुछ गाने वगैरह सुनने के लिए बीच बीच में. देन यस, मूंग एंड ग्रीन पीस, सी दिस, इनको भिगो के स्प्राउट करके. बहुत गर्मी है, सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी है. बारिश अभी रुक के गई है ना, सीरियसली. जस्ट कॉफ़ी पी है मैंने तो इतनी गर्मी हो रही है. चलो बात करते हैं नेक्स्ट. तो इनको यूज़ कीजिए, भिगो के रखिए, 2-3 डेज वेट कीजिए, उनको स्प्राउट होने दीजिए, एंड देन यूज़ इन योर फूड. राइस के साथ फ्राई करके यूज़ कर सकते हो, उसका सेपरेट से भाजी बना के यूज़ कर सकते हो, जो कुछ करके यूज़ करना है करो, बट ईट इट. जब इसको स्प्राउट हो जाएंगे, मतलब उसके अच्छे खासे मूड निकल के आएंगे, उसके अच्छे खासे दाने निकल जाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी रहेगा, कैल्शियम रहेगा, और बहुत सारे विटामिन, स्ट्रेस एलिमेंट्स रहेंगे. सो ईट देम. रॉ कोकोनट जो मिलते हैं डीमार्ट, यहाँ पे कहीं से भी आप ले सकते हो. देन कम्स सम ब्रेड, अच्छा मीडियम क्वालिटी का कोई भी ब्रेड ले सकते हो, अगेन डीमार्ट, बिग बाजार, कहीं से भी आप ले सकते हो. पीनट बटर सैंडविच के लिए, देन कम्स पीनट्स, कोई भी मार्केट से विदाउट रोस्ट किए हुए नॉर्मल पीनट्स लेके आइए. जस्ट पैन के ऊपर उनको हल्का रोस्ट कीजिए विदाउट पुटिंग एनी ऑयल और एनीथिंग, एंड देन यू कैन स्टार्ट ईटिंग. जस्ट बेसिक राइस यहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे जो कुछ मेरा बड़ा वाला रहेगा वो वहाँ पे है. यस, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टर्मरिक पाउडर अभी तो फिनिश हो गया है, मेरे पास नीचे रखा हुआ. टर्मरिक इज द वन ऑफ द बेस्ट स्पाइस, इंडिया जाना जाता है स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट है. इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस है, एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ करती है, बॉडी में अंदर ब्रेन में BDNF जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ट्यूमरिक. इसको आप यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली 101% टू यूज़ इट. जस्ट दूध के साथ में रात को सोते टाइम यूज़ कर सकते हो, या फिर पानी के साथ भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट बिफोर स्लीप ट्राई, और खाने में तो हम इसे भी यूज़ करते ही हैं. नेक्स्ट कम्स या पीनट बटर, मैं ये लेके आया हूँ डीमार्ट से. यू कैन बाय एनी ब्रांड, जस्ट मेक श्योर कि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर एड, प्रिजर्वेटिव, ये सारी चीज़ें ना हो. बेसिक जो है वो लीजिए, बेसिक इज इम्पॉर्टेंट. देन कम्स दाल, मूंग दाल एंड या तुअर दाल एंड मूंग दाल मिक्स करके मैं यूज़ करता हूँ. आपको जो पसंद है, आपको जो सूटेबल दाल है, हम जो दाल घर में बनाते हैं उसके लिए आपको जो चाहिए या वो दाल आप यूज़ कर सकते हैं. देन कम्स ओके वन मिनट है, ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, व्हाट यू वांट टू कॉल, ये भी यूज़ कर सकते हो. आपका जो नॉर्मल सॉल्ट है उसके साथ में ऐड ऑन करके, या फिर कुछ थोड़ा चेंज वगैरह करके. देन कम्स नेक्स्ट ओके हाँ, हींग, फ्यू ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स स्पाइसेस, हींग, देन अजवाइन, यू कैन सी सिनेमन, few of the best spices you can use in your diet. एग ऑमलेट बनाते हो, कुछ भी राइस बनाते हो, फ्राइड राइस वगैरह वगैरह, होल्ड ऑन करना, नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे.